और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एलजेपी की वजह से एनडीए को नुकसान पहुंचा है। अभी तक के रुझान में एलजेपी के कारण महागठबंधन को 38 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है, वहीं ओबीसी की वजह से एनडीए को 7 सीटों पर बढ़त मिल रही है। तो जो लगातार ये बात कर रहे थे कि बिहार में मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न बाकी राज्यों के मुकाबले कुछ अलग होता है, तो वो कुछ अलग नहीं दिखाई दिया इस बार मुसलमानों का वोट यहाँ पर बटा है और उसका फायदा एनडीए को मिला है, नुकसान महागठबंधन को उठाना पड़ा है। आनंद जी, हाँ ऐसा लग रहा है। देखिए जो प्राइमरी फेसिस जो हमारे पास नंबर आ रहे हैं, जो सीट्स आ रही हैं उसको देख के, लेकिन अब ये एक एक सीट का एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम कोई जनरलाइज करके बात कर लें पूरे और पूरे 243 सीट पे एक साथ हम उसको अप्लाई कर दें। सीमांचल में तो अप्लाई करना पड़ेगा। सीमांचल में आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई हो सकता है, ये जिस हिसाब से वहां का पूरा कास्ट इक्वेशन है उससे ऐसा बिल्कुल लग रहा है जो आप बोल रही हैं। और एलजेपी की वजह से आरजेडी को क्या बोले, 30 से ज्यादा सीटों पर नुकसान एनडीए को हो रहा है। एनडीए को नुकसान होना ये अपने आप में बड़ी बात है। ये इसका जवाब संजू वर्मा जी से लेना चाहिए। संजू वर्मा साहब, ये समझाइए कि चिराग साहब ये कहते रहे कि मैं हनुमान हूं और मेरे दिल में भगवान राम की तरह बसते हैं नरेंद्र मोदी, अब ये कैसा चुनाव लड़ा और ये कैसे भगवान हनुमान के वो पद चिन्हों पर चले कि अपने ही राम जी को हरवा दिया, राम जी की सेना को हराने की कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। अयोध्या को देखिए, उन्होंने अयोध्या को जलाया है। देखिए बिहार में विकास की गाड़ी तेज रफ्तार से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चला रही थी और इन्होंने बिहार में चलते हुए गाड़ी को डिरेल कराने का काम किया है। जो विकास की गाड़ी नीतीश कुमार के नेतृत्व में बढ़ रही थी, चल रही थी, उन्होंने रोका है और बिहार की जनता इनको माफ नहीं करेगी। बिहार की राजनीति से समाप्त हो जाएंगे, इनका कोई वजूद नहीं रहेगा। ये मैंडेट बता रहा है, जो परिणाम आने जा रहे हैं वो बता रहा है कि बिहार में लोग विकास चाहते हैं, बिहार की और नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास चाहते हैं, एनडीए के नेतृत्व में विकास चाहते हैं। उस एनडीए की गाड़ी को, मुझे आपकी इसी विकास वाली बात पे बड़ी आपत्ति होती है, इसलिए आपत्ति होती है, अगर आपने वाकई में 15 साल में इतना विकास किया होता तो सीटें भी यहाँ पर लबालब नजर आ रही होती। नहीं, आप समझिए ना कि सीटें कहाँ गड़बड़ हुई हैं। जो हमको नुकसान हुआ है वो नुकसान लोजपा के कारण हुआ है, हमारे ही एनडीए के कार्यकर्ताओं को जो 15 वर्षों से 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करते रहे हैं उन्हीं उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिया है। आप इसकी समीक्षा करिए, उनके पास कोई उम्मीदवार नहीं थे, हमारे जो वर्कर थे जिनको किन्हीं कारणों से, चूंकि टिकट तो किसी एक को मिलता, तो हमारे उम्मीदवार, हमारे जो वर्कर्स थे एनडीए के जो वर्कर्स थे जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वर्षों से काम कर रहे थे, उनको उन्होंने चुनिंदा। सर समझा लेते ना आप, चुनाव से पहले उनको समझा लेते, मना लेते, इतनी उआपो की स्थिति नहीं रहती। ये उनको उनको समझ नहीं है क्या, एनडीए में जब है तो एनडीए का पार्टनर यदि है तो समझना पड़ेगा। आज वो कह रहे हैं कि हम, वो कह रहे हैं हम अपमान भी से और गठबंधन में भी रहे, कह रहे हैं हमारा अपमान होता रहा। ये जिम्मेदारी तो शायद बीजेपी की ज्यादा थी, बीजेपी को मनाना चाहिए था, ये जा रहे थे, आपने जाने दी आरपी सिंह जी। बीजेपी देखिए, बीजेपी को जाने की बात बाद में है, यदि आप गठबंधन में रहते हैं तो गठबंधन धर्म निभाना आपका भी काम है। एक तरफ जब ये गजब धर्म है, यही तो धर्म ऐसा है जो वो सबको डिफेंड कर रहे हैं चिराग पासवान के अलावा, जैसे चिराग पासवान जेडीयू को छोड़, जेडीयू के सिवा किसी को नहीं छेड़ रहे थे। सर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये बात सही है, इस पॉइंट है कि चिराग पासवान ने कभी भी तेजस्वी को लेकर कुछ भी गलत नहीं बोला, उनके उनके सामने अटैक सिर्फ और सिर्फ हमेशा वही रहे। एक ब्रेक लेना पड़ेगा, आप बात कर रहे थे। मैं ये बोला था आपसे, देखिए अभी हमने एक आंकड़ा दिखाया कि आउट ऑफ 67 जो आरजेडी यहां आगे चल रही है, वह 38 सीट ऐसी है जिनमें एलजेपी ने उसको कोऑपरेट किया है ना, उसकी वजह से ये आगे चल रही है। तो अब आप कल्पना कीजिए कि अगर 67 में से मान लीजिए ये इक्वेशन नहीं होता तो आज आरजेडी कहां खड़ी होती है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक, मजबूरी हमारी, लौट रहे हैं ये और चर्चा की शुरुआत फिर इसी बिंदु से करेंगे। कमाल का एसीसी गोल्ड वाटर